गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेमेस्टर। आप लोग अब नए सेमेस्टर यानी सेमेस्टर टू में प्रवेश कर चुके हैं। गंगा नदी पार करके यमुना नदी के किनारे पर आ गए। आपको पता है कि पूरे एमएससी को चार सेमेस्टर में बांटा गया है। सेमेस्टर वन जो आप पार कर चुके हैं यानी गंगा नदी पार कर गए, जिसमें वन से लेके फोर पेपर तक था, खूब पढ़ा आप लोगों ने। अब सेमेस्टर टू जिसमें फिफ्थ से एट पेपर तक है, यानी फिफ्थ सिक्स सेवन एंड एट। तो आज हम सेमेस्टर टू की जनरल इंट्रोडक्टरी बात करेंगे कि हमको सेमेस्टर टू में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या पढ़ाई होगी, कैसे आप पढ़ें, कैसे आप अच्छा करें। तो चैप्टर इसमें पांच चार पेपर होगा। पेपर फिफ्थ जिसमें के डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी। पेपर सिक्स जिसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। इथोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, इथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर्स। चैप्टर सेवन ये होगा हिस्टोलॉजी, स्टडी टिश्यूज, हिस्टोकेमिस्ट्री, टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं। पेपर एट होगा प्रैक्टिकल्स। तो फिर से सुन लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कौन सा पेपर लिखूं, सर क्या है। तो चैप्टर पहला पेपर यानी पेपर फिफ्थ, जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ पेपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ। तो फिफ्थ पेपर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी, सिक्स पेपर में एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, सेवन्थ पेपर में हिस्टोलॉजी, हिस्टोकेमिस्ट्री, टूल्स एंड टेक्निक्स, और एट्थ पेपर जो है ये प्रैक्टिकल्स का होगा। अब थोड़ा सा डिटेल, हालांकि पूरा डिटेल ये नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जैसे सेक्स सेल से फीटस बना, फीटस से एडल्ट बना, तो ये पूरा सेक्स टू एडल्ट ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। फिर इसको बांटा गया है यहां से पहले यहां से बाद में। इसको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं, या पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहते हैं, या प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं, जो हम क्लास में लेक्चर में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से लेके यहां तक ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। अब इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जैसे फर्टिलाइजेशन सबको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये इतना सिंपल नहीं है बिकॉज यू आर इन एमएससी। अर्ली डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन में क्या क्या सब प्रोसेस होता है, कैसे हम पॉली एम्ब्रियोनी को रोकेंगे, कैसे हम पॉली स्पर्मी को रोकेंगे, और किस तरह से हम फर्टिलाइजेशन को करेंगे, कैपेसिटेशन क्या है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है, जिसको हम एक्रोजोमल कोन क्या है, एक्रोजोमल रिएक्शंस क्या है, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अर्ली डेवलपमेंट में जैसे आपका जर्म लेयर्स बनता है, जर्म लेयर्स के बाद फिर उसमें स्ट्रीक बनता है और जो डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद मॉर्फोजेनेटिक सब्सटेंसेस एंड देयर रोल इन डेवलपमेंट, यानी क्या क्या सब फैक्टर है ग्रोथ के लिए, शक्ल सूरत बनने के लिए मॉर्फोजेनेटिक वर्ड यूज किया गया है के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। फिर सेल डिफरेंशिएशन में जैसे टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू में भी स्टेम सेल है और इरिथ्रोसाइट्स है, इस तरह से जो डिवीजन ऑफ लेबर एमंग द सेल्स, यानी सेल के बीच में काम का बंटवारा और उस काम के हिसाब से उसकी शक्ल सूरत में चेंजिंग होना, इसी को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद
फिर जेनेटिक कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो अपने आप नहीं होता है, इट इज गवर्न बाय सर्टेन फैक्टर्स एंड सम फैक्टर्स आर प्रोटीन्स एंड सम प्रोटीन्स आर गाइडेड बाय जेनेटिक कंट्रोल, तो उसको हम जेनेटिक कंट्रोल कहते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फीटस, फीटस के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट जिसको न्यूप्लेसिया कहते हैं, कि किस तरह से हमेशा जब आप देखे होंगे डिफॉर्म डेवलपमेंट होता है, कभी अपंग पैदा होता है, तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता है, या जब हम पढ़ाएंगे इसको तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, पीयूष ग्लैंड, बर्ग ग्रंथि जिसको कहते हैं, थायराइड ग्रंथि है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ यानी कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, उसको कौन सा एंडोक्राइनोलॉजी उसका क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पीनियल जो कि वर्टिब्रेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, और बहुत सारे लोग तो इसको ग्लैंड मानते भी नहीं है, और ये एक हार्मोन बनाता है, उसका क्या फंक्शन है उसको बयान करेंगे हम। बंद कर दिया। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। हाँ, कंपैरेटिव एनाटॉमी जैसे मान लिया कि थायराइड ग्लैंड है, अब ये थायराइड ग्लैंड फिश में कैसा है, एम्फीबिया में कैसा है, बर्ड्स में कैसा है, रिप्टाइल्स में कैसा है, ये इस तरह से कंपैरेटिव अकाउंट लिया जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है जैसे एडिनो हाइपोफाइसिस देखना है, न्यूरो हाइपोफाइसिस देखना है, थायराइड ग्लैंड देखना है, एडिनल ग्लैंड देखना है, पैराथायराइड ग्लैंड देखना है, इसका एक कंपैरेटिव अकाउंट, कंपेयर मींस इन डिफरेंट क्लासेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हाट आर द डिफरेंसेस और व्हाट आर द इवोल्यूशनरी ट्रेंड, यानी किस तरह से इवोल्यूशनरी ट्रेंड हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है या रिडक्शन हुआ है या डिलीशन हुआ है, ये सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे हम लोग। हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, मैमल्स ओनली यानी सिर्फ मैमल के बारे में करना, हाइपोथैलेमस जो बहुत थैलेमस के ऊपर है, यहाँ से बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है जो हम बयान करेंगे, यहाँ से जो हॉर्मोन्स निकलता है तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है। हॉर्मोन्स एंड होम्योस्टेसिस यानी हॉर्मोन क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, एक्शन ऑफ हार्मोन क्या है, इसको जानना है। फिर बायोसिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका कैसे सिंथेसिस होता है, क्या काम होता है, कैसे काम करता है। उसी तरह से बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड हार्मोन, प्री एंड प्रू हार्मोन्स, जैसे बहुत सारे हार्मोन जो है इनएक्टिव फॉर्म में पैदा होता है, जैसे प्रो इंसुलिन, जैसे पेप्सिनोजन, जैसे प्रोरेनिन, ये सब जो है इनएक्टिव फॉर्म है, कैसे उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इस तरह से जो होगा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब पेपर आता है सिक्स पेपर में है आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी। इथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टडी जैसे आपने उसको ठंडा दिया तो वो पानी दूर भागा कि नजदीक आया, या जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें किस तरह का वो बिहेवियर करता है, या डिफेंसिव मैकेनिज्म है वहां पर ऑर्गेनिज्म कैसा बिहेवियर करता है, तो इस चीज की जो स्टडी होती है उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। और पैरेंटल केयर जैसे होता है, जैसे बच्चे को अपना कुत्ते जो है अपने बच्चे को किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से उसको देते हैं, उसका क्या बिहेवियर है, इस चीज की स्टडी हम इथोलॉजी में करते हैं। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसकी स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए, पूरे ग्लोब के लिए। जैसे लिंडमान्स ट्रॉफिक डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रॉफिक जैसे आपका क्या कहते हैं ट्रॉफी लेवल 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, और तो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है इसको बयान किया जाएगा। पॉल्यूशन इकोलॉजी, पॉल्यूशन में
क्या क्या होता है, इकोलॉजी किसे कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी में जैसे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटेड, ये सबको एक्सप्लेन हम करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में मीन्स एज यू नो द माइन्यूट फ्रॉम कोरोना टू द ह्यूज ब्लू वेल, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इन शेप, साइज, बिहेवियर, इंटरैक्शंस एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, और ये सबको किस तरह से उसको हम मेजर करेंगे और कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी प्रोसेस इसमें है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, ये आज बहुत ही डेंजरस है एंड वेरी डेंजरस सिग्नल टू द ह्यूमन काइंड, एंड इसकी स्टडी है। फिर पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस आपको जैसे पैरासिटिज्म हुआ, कंपटीशन हुआ, निश थ्योरी हुआ, और ये सब हुआ। फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मतलब क्या बेनिफिट है, कैसे हम इससे पैसा कमा सकते हैं या कैसे हम सेफ रख सकते हैं। तो जब इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो पॉपुलेशन हेल्दी होगा, जब पॉपुलेशन हेल्दी होगा तो वर्क नेचर ज्यादा होगा तो अर्निंग ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पे स्टडी करते हैं, करेंगे। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जैसे आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये रिसोर्सेस हैं, और उसको जैसे पुराने स्पेसीज को बचाना, स्पेसीज जिसका पॉपुलेशन कम हो रहा है, जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट है, और जो थ्रेटेंड स्पेसीज है, कैसे उसको उसके पॉपुलेशन को हम रोकेंगे और ग्रो कराएंगे, कैसे उसको लुप्त तो होने से बचाएंगे, उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, तो उसी को नेशनल प्रोजेक्ट कहते हैं और उसके हम करेंगे। फिर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में जैसे उसका मोटिवेशन है, अब जैसे ट्रेनिंग है, कुत्ते को ट्रेन कर दिया जाता है तो वो चोर को पकड़ लेता है, तोता को ट्रेन किया जाता है तो बोलने लगता है, उसी तरह से बहुत सारे एनिमल जो हैं जो ह्यूमन बीइंग को इमिटेट करता है यानी नकल करता है, तो इसको हम कैसे करेंगे। बिहेवियर एंड इट्स टाइप्स, उस तरह के जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मीन्स टूवर्ड्स अवे, इस तरह का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग वन बाय वन टॉपिक वाइज करेंगे। यहाँ तो एक जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि उसको ये भी नहीं पता रहता है कि कितना पेपर है, किस पेपर में क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा। फॉर्म भरने आते हैं तो उसमें भी गलतियां रहती है, गलती तो इंसान का ह्यूमन नेचर है, इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि गलती जो है मिनिमम से मिनिमम हो, मींस इट शुड बी मिनिमाइज्ड। बिहेवियर एंड इट्स टाइप्स, तो परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी ह्यूमन के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन है कि हाउ टू परसीव द एनवायरनमेंट। ओरिएंटेशन इन एनिमल्स के डिफेंस में या सेक्सुअल बिहेवियर में या किसी और में, व्हाट आर द ओरिएंटेशंस, किस डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। फिर बायोलॉजिकल रिदम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है एक साइक्लिक होता है, 24 आवर्स के हिसाब से वो घूमता रहता है, जैसे स्प्रिंग सीजन में, विंटर सीजन में और समर सीजन में, इस तरह से उसका एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है, उसी को बायोलॉजिकल रिज्म कहते हैं, जो वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं पेपर सेवन्थ में, इस पेपर सेवन्थ में हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोकेमिस्ट्री, हिस्टोकेमिस्ट्री मीन्स टिश्यूज का केमिस्ट्री, जैसा आप जानते हैं टूल्स, कौन सा टूल्स यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, तो इसमें जैसे फिक्सेशन है तो यूज करते हैं, कौन सा फिक्सेटिव्स यूज करेंगे, वो कैसा फिक्सेटिव्स है, क्या उसका नेचर है, और सेक्शनिंग, जैसे एक सेल है इसको इस तरह से काटा तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, इस तरह से काटा तो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, इसको TS कहते हैं, और LS कहते हैं, VLS कहते हैं, वेंट्रोलेटरल सेक्शंस, और एट्सेट्रा वगैरह, इसी को सेक्शनिंग कहेंगे। फिर हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स,
एक कलरिंग एजेंट हम डालते हैं, उसके बाद स्पेक्ट्रो फोटोमीटर ये सब यूज़ करते हैं हम, ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, फिर माइक्रोस्कोपी एंड क्रायो टेक्निक्स, क्रायो मीन्स का जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर पे, और माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप के जरिया सेपरेशन टेक्निक्स कैसे सेपरेट करेंगे आइसोलेशन में, जैसे आपको सेपरेशन टेक्निक्स में है इलेक्ट्रोफोरेसिस SDPs इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर MRI जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक जो हम आजकल ज़्यादातर चीज़ों में चेक यूज करते हैं। एक्सरे इज रिप्लेस्ड बाई नाउ MRI, इट इज़ लेस हार्मफुल, तो उसको हम फिर ELISA जो कि आजकल डिटेक्ट में इसको बयान करेंगे। और हम पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे क्योंकि नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स सिक्वेंसली, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, जैसे लीवर और किडनी स्टमक बोन्स एंड कार्टिलेज का इसका हिस्टोलॉजी का स्टडी करना है। ये पेपर 7th हुआ। पेपर एट प्रैक्टिकल है जो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 10 नंबर का, एंडोक्राइनोलॉजी से 10 नंबर का, इन्वायरमेंट से 10 नंबर का, इथोलॉजी से 10 नंबर का, हिस्टोलॉजी से 10 नंबर का, टूल से 10 नंबर का, रिकॉर्ड एंड सेशनल वर्क 10 नंबर का यानी रिटर्न वर्क, और वाइवा भूसी 10 नंबर का, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ इस तरह से लिखे हैं ईच पेपर हैज 100 मार्क्स। इस पेपर हर पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। उस 100 नंबर में 80 नंबर आपका थियरी होगा यानी एग्जाम होगा, एग्जाम तो दोनों का होगा लेकिन 80 नंबर का थियरी होगा, और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा। इस 20 नंबर को फिर हम लोगों ने बांटा 10 रिटेन मानी, जैसे यहां पीछे हमने लिखा है सेशनल वर्क, और 10 जो है ओरल यानी वाइवा भूसी, तो 20 ये 80 ये मिला के 100 हो गया। तो ये चार पेपर हुआ, तो चार पेपर में 4 × 100 यानी 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, और हर माह में उसी तरह से 80 प्लस 20 फिर 20 10 प्लस 10 इस तरह से होगा, और हर पेपर 3 घंटे का होगा, पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और इस जो शायद 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और ये सबके लिए कंपलसरी है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए डीप स्टडी का होना जरूरी है जो कंपलसरी है, मार्क स्कोरिंग है। अगर 20 में से 20 सही हो जाता है तो इट इज अ गुड मार्क्स, बिकॉज इन राइटिंग यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स, यू विल स्कोर मोर मार्क्स, सो यू वर्क हार्ड। और अब तक का जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी का है ये है, इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत इस वीडियो को खास तौर से बहुत ध्यान से सुने, देखें और इसको समझें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं। अगर इस तरह का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो मेरे ख्याल से थ्योरी पार्ट को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा, और मेरे ख्याल से एज पर माई थिंकिंग एज पर माई एक्सपेरिमेंट और यू में से एज पर माई एक्सपीरियंस इट विल बी मोर इजियर टू इनगल्फ द थ्योरी पार्ट इफ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर दैट हाउ मच मार्क्स विल बी थ्योरी मार्क्स और विद द इंटरनल मार्क्स इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अब थियरी मार्क्स जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जो है जो हम लेंगे उसमें हम प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, और जो वाइवा भूसी या सेशनल मार्क्स या प्रोजेक्ट वर्क होता है और उसको हम थियरी से भी दे सकते हैं। इसलिए फर्स्ट लेक्चर टुडेज लेक्चर एंड इट इज द मोस्ट फ्रूटफुल इट शुड बी मोस्ट फ्रूटफुल लेक्चर टू यू, क्योंकि बिगिनिंग इज बेटर द लास्ट विल बी बेटर। इसलिए आज पहला लेक्चर है, एक जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और वेलकम टू ऑल इन सेमेस्टर 2
एंड आप लोग गंगा पार करके यमुना के किनारे आ गए हैं, अब आप यमुना को भी बढ़िया से पार कीजिए और अच्छा से मेहनत कीजिए और इसको देखिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट में, ये एक नट शेल है, अब इसमें वन बाय वन कर करके फिर इसका डिवीजन होगा। जैसे शुरू में हमने बताया है फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ये एक शॉर्ट में है, समझो कि सिलेबस टाइप का है, और अभी सेमिस्टर टू का है, कल हम सेमिस्टर फोर का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, आई होप दैट यू ऑल बंद कर दिए आई होप दैट यू ऑल विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। थैंक यू।